देखो आप जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, मैं सारे स्टूडेंट को आपको हैंड फ्री सोल्यूशन, यदि हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है अगर उसमें हैंड फ्री की प्रॉब्लम आती है, जैसे डिस्प्ले इस तरीके से हेडफोन का सिंबल छप जाता है, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में हेडफोन का सिंबल छप जाता है, तो स्पीकर माइक काम करना बंद कर देता है। अगर स्पीकर माइक काम करना बंद कर देता है तो उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, आज मैं आपको उसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या है, अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आता है कहता है कि मेरे मोबाइल फ़ोन में बात नहीं हो रही, मतलब स्पीकर नहीं काम कर रहा, या कस्टमर कहता है कि मेरे फ़ोन में आवाज़ जा नहीं रही तो माइक नहीं काम कर रहा, अगर कस्टमर कहता है हमारे फ़ोन में गाने नहीं बज रहे, म्यूजिक नहीं बज रहा, रिंगटोन नहीं बज रही, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब है आपके सेट में रिंगर की प्रॉब्लम है। इस तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये स्पीकर रिंगर माइक की प्रॉब्लम होती है। अगर मान लिया अगर सेट में ऐसी प्रॉब्लम आती कस्टमर की, तीनों चीज़ें बंद हो जाती, न तो स्पीकर काम करता है, न तो रिंगर काम करता है, न तो माइक काम करता है, तो उस कंडीशन में अगर आप हैंडसेट में देखेंगे तो हेडफोन का सिंबल बन जाएगा, डिस्प्ले पे क्या बन जाएगा, हेडफोन का सिंबल बन जाएगा। अगर हेडफोन का सिंबल बन जाएगा तो स्पीकर माइक काम करना बंद कर देगा। यदि सेट में हैंड फ्री का सिंबल बंद आता है तो स्पीकर रिंगर माइक वर्क नहीं करता। यदि हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है अगर हेडफोन का सिंबल बंद करके आता है तो स्पीकर माइक रिंगर काम करना बंद कर देता है, स्पीकर रिंगर माइक तीनों चीज़ें उसमें बंद हो जाती हैं। अगर तीनों चीज़ें बंद हो जाएंगी तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे, सबसे पहली बात क्या, यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है हेडफोन का सिंबल बंद करके आता है तो सबसे पहले आप मोबाइल फ़ोन को खोलिए, सबसे पहले क्या करेंगे मोबाइल फ़ोन को खोलो, मोबाइल फ़ोन खोलने के बाद सेट के अंदर जो लगा होता है हैंड फ्री जैक लगा होता है, अगर आप देखेंगे इस तरीके का हैंड फ्री जैक होता है, ये हैंड फ्री जैक में ये जितनी भी सारी क्या होती हैं पिन होती हैं, ये सारी जितनी होती हैं पिन बोलते हैं, जो भी सारे काम करते हैं वो पिन ही वर्किंग करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पिन से संबंधित ही प्रॉब्लम आती है, इन्हीं पिन को ठीक किया जाता है। देखिए कैसे रिपेयर करेंगे, यदि आपके पास कोई हैंड फ्री की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले क्या करेंगे सेट में हैंड फ्री जेब को साफ सुफ करें, मतलब आप मोबाइल फ़ोन खोलें हैंड फ्री जेब जो होता है इसे क्या करें साफ करें, हैंड फ्री जेब साफ करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, फिर भी आपको फ़ोन में काम नहीं कर रहा है, फिर भी समस्या सेम आ रही है, अब आप मोबाइल फ़ोन में हैंड फ्री जेब को क्या करेंगे, ये देखिए जैसे ये आपके फ़ोन दिया हुआ है इस फ़ोन में ये आपका हैंड फ्री जेब है, ये हैंड फ्री जेब अगर ख़राब हो जाएगा तो मोबाइल फ़ोन में स्पीकर रिंगर माइक बंद हो जाएगा। आप सबसे पहले क्या करें सेट खोलें, सेट खोलने के बाद हैंड फ्री जेब को क्या करें साफ करें, इस फोल्ड करें हैंड फ्री जेब को साफ इस फोल्ड करें, उसके बाद फिर भी प्रॉब्लम सेम है हैंड फ्री जेब को चेंज करें, यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती फिर भी समस्या सेम आती है तो आप क्या करेंगे जो हैंड फ्री जैक होता है उसे चेंज कर देंगे, अगर हैंड फ्री जैक चेंज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, आपने क्या किया हैंड फ्री जैक नया लगा दिया, नया लगाने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, अब आप क्या करेंगे हैंड फ्री जैक में जम्पर लगाएंगे, आप देखो हैंड फ्री जैक में आप जम्पर कैसे लगाएंगे, सबसे पहली बात क्या है जो आपका हेडफोन जैक जो होता है मेन इसमें क्या होता है ज़्यादातर हैंड फ्री की प्रॉब्लम आती है वो 70-80% प्रॉब्लम जो होती है वो जम्पर से सॉल्व हो जाती है, या तो आप हेडफोन जैक को खोलेंगे साफ करेंगे रिसोल्ड करेंगे या चेंज करेंगे, चेंज करते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अगर चेंज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप हैंड फ्री जैक को क्या करेंगे चेंज कर देंगे, जैसे चेंज कर दोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चेंज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है फिर भी आपके सेट में समस्या सेम आ रही है, अब आप क्या करेंगे हैंड फ्री जैक जो लगा होता है इसमें आप जम्पर कैसे लगाएंगे, ये हैंड फ्री जैक ये लॉक होता है यहाँ से आप हेडफोन लगाते हैं, इसमें से तीन पिन ऊपर होती हैं तीन पिन नीचे होती हैं, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे सेट लो आप पीछे की दोनों पिनों को आपस में मिला दीजिए, पीछे की दोनों पिनों को जैसे ही आपस में मिला देंगे तो आपके सेट में हेडफोन का सिंबल चला जाएगा, अगर नहीं जाता तो फिर आप क्या करेंगे
आप पीछे की दोनों बराबर पिनों को आपस में मिला दीजिए, फिर आपके सेट में हेडफोन का सिंबल चला जाएगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं जाता हेडफोन का सिंबल, फिर आप क्या काम करेंगे, पीछे की जो दोनों पिन है उनको बराबर में आपस में परस्पर जोड़ देंगे। इस तरीके से अब आपके सेट में हेडफोन का सिंबल चला जाएगा। अगर उसके बावजूद भी हेडफोन का सिंबल नहीं जाता, फिर भी नहीं जाता, फिर भी प्रॉब्लम सेम रहती है, फिर भी नहीं काम करता, फिर भी नहीं जाता, अब आप क्या काम करेंगे कि आप अपने मोबाइल फोन में जो हैंड फ्री जैक जो होता है, ये हैंड फ्री जैक दिया हुआ है, इस हैंड फ्री जैक को क्या करिए, मोबाइल फोन को चालू कर दीजिए। मोबाइल फोन को चालू करने के बाद चिमटी लो, चिमटी का एक हिस्सा ग्राउंड पे अटैच कर दीजिए। चिमटी का एक हिस्सा कहाँ पर, ग्राउंड से अटैच कर दीजिए, निगेटिव से अटैच कर दीजिए। निगेटिव से अटैच करने के बाद एक एक करके जितनी भी सारी पिनें होती है सारी पिनों में टच करिए। जिस पिन से आप टच करेंगे तो सेट में मैसेज आना शुरू हो जाएगा, हेडफोन प्लग इन प्लग आउट, एक मैसेज आना शुरू हो जाएगा, प्लग इन प्लग आउट, प्लग इन प्लग आउट का मैसेज आना शुरू हो जाता है। तो आप उसी पिन से लेकर के ग्राउंड पे जंपर मार दीजिए, जिस पिन से ये मैसेज आना शुरू हो जाता है कि सेट में हेडफोन प्लग इन प्लग आउट का मैसेज आना शुरू हो जाता है, उसी पिन को लेकर के हेडफोन को ग्राउंड से जोड़ दीजिए, आपके सेट में हेडफोन का सिंबल चला जाएगा। अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, फिर भी आपके सेट में हेडफोन का सिंबल नहीं आता, फिर भी प्रॉब्लम सेम रहती है, अब आप क्या काम करेंगे, सेम वही अब आपको अपोजिट करना है कि जैसे छः पिन होती हैं, तो छः पिन में पहले आप मल्टीमीटर से छः पिन को आप क्या कर लीजिए, एक एक करके टेस्ट कर लीजिए। रेड पिन को ग्राउंड पर रखिए, ब्लैक से चेक करेंगे, पीसीबी जो बोर्ड होता है, ये प्लेट होता है, इस प्लेट में रेड पिन को कहाँ पर रख लीजिए, ग्राउंड पर रख लीजिए। ग्राउंड पर रखने के बाद एक पिन को पकड़ेंगे, एक एक करके जितनी भी सारी पिनें होती हैं सारी पिनों में आप क्या करेंगे, टच करेंगे। जब सारी पिनों में टच करेंगे तो जो पिन बीप रहेगी वो पिन तो क्या होगी, माइनस होगी। जो पिन ग्राउंड से चेक करने पर बीप देती है वो पिन क्या, माइनस है। जो पिन माइनस है उस पिन को छोड़ दीजिए, जो पिन माइनस होती है छोड़ दीजिए। अब आप बैटरी कनेक्टर के प्लस से जंपर लगाएंगे, कहाँ पर जंपर लगाएंगे, बैटरी कनेक्टर के प्लस से जंपर लगाएंगे, आउट साइड को चालू कर लीजिए। प्लस के जंपर को एक एक करके सभी पॉइंट में टच करिए, प्लस को जंपर को एक एक करके सेट के सारे पॉइंट में टच करिए, माइनस को छोड़ करके। जिस पॉइंट से आपको टच करने से प्लस का जंपर बी बैट प्लस का जंपर जिस पॉइंट से बार बार टच करने से अगर आपके सेट में हेडफोन का सिंबल प्लग इन प्लग आउट आने लगता है तो आप उसी से प्लस का जंपर जोड़ दीजिए। जैसे ही आप प्लस का जंपर जोड़ दोगे फिर आपके सेट में हेडफोन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी, अब देखो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कराता हूँ। ठीक है, अब मल्टीमीटर देखो, ये जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर का ये आपका बोर्ड होता है, पूरा बोर्ड होता है। इस बोर्ड में अगर आप देखेंगे ये आपका हैंड फ्री जैक लगा हुआ है। हैंड फ्री जैक जो होता है ये आप ऐसे हेडफोन जब यहाँ पर लगाते हैं ये आपका हैंड फ्री जैक होता है। हैंड फ्री जैक में देखेंगे एक दो तीन, तीन पिन इधर दी हुई हैं, तीन पिन इधर दी हुई हैं। ये जितनी भी सारी पिनें होती हैं कभी ऐसा नहीं होता कि सेम साइज़ का हो। जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, चाहे ओप्पो वीवो सैमसंग लेनोवो माइक्रोमैक्स इंटेक्स, जितना भी कंपनी का फ़ोन आता है सारी कंपनियों में जो आपका जैक लगा होता है ये अलग अलग साइज का होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है सारे जैकों का, लेकिन सोल्यूशन एक जैसा होता है। हैंड फ्री जैक की कोई भी प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले आप सेट खोलें, सेट खोलने के बाद आप हैंड फ्री जैक जो होता है उस जैक को आप क्या करें, साफ सुथरा करें, चिमटे से साफ करें या थिनर से इसे साफ करें, स्क्रैच करें, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है। आप हैंड फ्री जैक को सबसे पहले सोल्ड करने के बाद भी नहीं होता तो हैंड फ्री जैक को आप चेंज कर दीजिए। हैंड फ्री जैक चेंज कर देंगे, चेंज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, फिर भी आपके सेट में समस्या सेम है कि आपके सेट में हेडफोन का सिंबल बन के आ रहा है। डिस्प्ले पे देखेंगे तो यहाँ पर हेडफोन का सिंबल बन करके आएगा, इस तरीके से हेडफोन का सिंबल बन जाएगा। तो आप हेडफोन के सिंबल के लिए स्पीकर माइक रिंगर तीनों चीज़ें बंद हो जाती हैं, क्योंकि क्या होता है एक तरफ हैंड फ्री होता है एक तरफ स्पीकर रिंगर माइक होता है, दो सेक्शन होते हैं। यदि स्पीकर रिंगर माइक चलेगा तो हैंड फ्री नहीं चलेगा, हैंड फ्री चलेगा तो स्पीकर रिंगर माइक नहीं चलेगा, दो में से कोई एक ही चलेगा। अगर हेडफोन का सिंबल बन गया तो आप जैक को पहले साफ करिए, फोल्ड करिए, चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, आपने चेंज कर दिया फिर भी समस्या सेम आ रही है। अब आप मोबाइल फ़ोन खोलें, सबसे पहले हेडफोन जैक के जो पीछे की दोनों पिनें होती हैं यहाँ से लेकर के यहाँ पर आप जंपर लगा देंगे, उसके बावजूद भी नहीं होता फिर भी प्रॉब्लम सेम है तो आप इस साइड से लेकर के इस साइड पर आप जंपर लगा देंगे, फिर भी आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम सेम है, फिर भी यदि हेडफोन का सिंबल बन करके आ रहा है फिर भी डिस्प्ले पर आ रहा है। अब आप क्या काम करेंगे, मोबाइल फ़ोन लेंगे, उस मोबाइल फ़ोन को सबसे पहले आप क्या करें, चालू करें, हैंडसेट लें, हैंडसेट को सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे चालू करेंगे। इस मोबाइल फ़ोन को आपने क्या करना है, चालू करना है, चिमटे देना है,
चिमटे दे दो, सबसे पहले आप मोबाइल फ़ोन को क्या करेंगे, ऑन करें। अब आपका मोबाइल फ़ोन चालू हो गया। मोबाइल फ़ोन चालू होने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, हेडफोन का सिंबल बन करके आ रहा है। अब आप क्या काम करें, चिमटे ले, चिमटे का एक हिस्सा जो होता है उसे बॉडी के ग्राउंड पे कहीं भी अटैच कर लेंगे। एक हिस्से को ग्राउंड पे कहीं भी अटैच कर लेंगे। उसके बाद आप इसकी जितनी भी सारी पिनें हैं, सारी पिनों को ऐसे डिस्प्ले पर आप ऐसे टच करेंगे। जैसे टच करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर इस तरीके से मैसेज आएगा, देखो आ रहा है मैसेज। ये आपके फ़ोन में मैसेज आ रहा है, हेडफोन प्लग इन प्लग आउट, इस तरीके से मैसेज आएगा। अगर इस तरीके से मैसेज आ रहा है, अगर आपने तो अभी एक तीन तरफ चेक किया हुआ है, आपको इस तरफ जस्ट उल्टी साइड भी ऐसे ही चेक करना है। तीन इस तरफ है, तीन इस तरफ है, तीनों तरफ आप चेक कर लेंगे। यहाँ से चेक कर रहे आपके डिस्प्ले पर प्लग इन प्लग आउट, जिस पिन से मैसेज आने लगे उसी पिन से उठा करके आप बॉडी के ग्राउंड पर जंपर मार देंगे, आपके सेट में हेडफोन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, फिर भी हेडफोन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, अब आप क्या काम करेंगे, बैटरी कनेक्टर के प्लस से जंपर लेंगे। बैटरी कनेक्टर के प्लस से जंपर लेंगे, उस प्लस को जंपर को ले करके चिमटे से पकड़ लेंगे। और इसमें सबसे पहले आप चेक कर लेंगे इसमें कोई पिन माइनस तो नहीं है। माइनस चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को सीधे जाएंगे, बीप पॉइंट पर जाएंगे, बीप पॉइंट पर सेट करिए। बीप पॉइंट पर सेट करने के बाद क्या करें, रेड पिन को ग्राउंड पर लगा लीजिए, बॉडी से अर्थिंग से कहीं भी अटैच कर दीजिए। उसके बाद आप सारी पिनों को चेक करेंगे, आप देखेंगे ये सारी पिनें कोई भी पिन बीप नहीं दे रही है। जितनी सारी पिनें बीप नहीं दे रही है तो इसका मतलब क्या होता है, ये सारी पिनें क्या आपकी पॉजिटिव है, ये पिन बीप दे रही है तो ये पिन नेगेटिव है। तो इस पिन को आप सिर्फ छोड़ दीजिए, ओनली वन माइनस वाली पिन को छोड़ दीजिए। माइनस वाली पिन को छोड़ने के बाद जिस पिन को आपने चेक किया बीप दे रही है, इस पिन को खाली छोड़ दीजिए। अब आप बैटरी कनेक्टर के प्लस से जंपर लेकर के एक एक करके सब पे टच करेंगे। पहले इस पे टच करिए, फिर इस पे, जितने मतलब जितने आपके पांचों पॉइंट बचे हुए हैं जो पॉजिटिव के हैं वो एक एक करके सब पे टच करेंगे। जहाँ से टच करने पर आपके सेट में हेडफोन का सिंबल प्लग इन प्लग आउट, प्लग इन प्लग आउट, जैसा आपने देखा किस तरीके से मैसेज आने लगता है, तो आपके सेट में हेडफोन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस तरीके से जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, वो किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन हो, उसमें हेडफोन की प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर कुछ ऐसे बड़े मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, जो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, अगर उसमें इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, मैंने देखा हुआ है तो बहुत सारे ऐसे सैमसंग के फ़ोन आते हैं जिसमें हेडफोन का सिंबल बन के ही नहीं आता। आप अगर हेडफोन जब को लगाओगे तो उसमें हेडफोन का सिंबल बनकर नहीं आएगा, लेकिन हाँ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सिंबल जब हेडफोन जब नया चालू फोन है अगर उसमें हेडफोन लगाओ तब भी सिंबल नहीं आता, तो जब प्रॉब्लम आ जाएगी तो भी सिंबल नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो आता ही नहीं ना, सिंबल तो सो ही नहीं करता। तो उस कंडीशन में आप क्या काम करेंगे, हैंड फ्री जब जो भी होता है हैंड फ्री जब को साफ होल्ड करेंगे और प्लस को जंपर को एक एक करके सारे पॉइंटों में टच करेंगे। जहां से पॉइंट से टच करने पर हेडफोन का सिंबल चला जाएगा तो उसी पिन से लेकर के आप उसे ग्राउंड से जोड़ देंगे, या उसी प्लस से लेकर के आप उसे प्लस से जोड़ देंगे। दो बार ट्राई करना पड़ता है, एक बार तो पहले उसे डायरेक्टली ट्राई करो, उसके बाद नहीं होता तो फिर आप उसे ग्राउंड से एक एक करके टच करके ट्राई करो, और दूसरा तरीका एक और होता है पॉजिटिव का, कि बैटरी कनेक्ट करके प्लस से लेकर के ट्राई करेंगे। जैसे ट्राई करेंगे तो हेडफोन तो सिंबल चला जाएगा और आपके फ़ोन में स्पीकर इंटरफेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।